कि बालवीर मुझ पर हमला करे, मुझे उसे समाप्त करना होगा। भयंकर परी, बालवीर और परियां बहुत गुस्से में है, इस समय यहां से निकल लेने नहीं बनाई। तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। नहीं, नटखट परी को कुछ हो तो नहीं गया? भयंकर परी, रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इस गुना की कड़ी से कड़ी सजा देकर ही रहूंगा। नहीं सर, ये मेरी बुक नहीं है सर। ऑब्जेक्शन सर, इस बुक पे मानव डगली का नाम लिखा है, मानव डगली का रोल नंबर है, और ये मानव डगली बोले कि मानव डगली की बुक नहीं है। मानव, ये तुमने ठीक नहीं किया है, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। नहीं सर, ये मेरी बुक नहीं है। एक मिनट सर। सर, क्या आप मोंटू की हिस्ट्री नोटबुक निकाल सकते हैं? बहुत एक्सरसाइज कराते हैं बच्चे तुम लोग। सर ये लीजिए, मानव की साइंस नोटबुक। अब मोंटू की हिस्ट्री नोटबुक और मानव की साइंस नोटबुक की हैंडराइटिंग मिलाकर देखिए, आपको सेम टू सेम मिलेगी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत अदालत मेरा मतलब है सर, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मोंटू ने अपनी हिस्ट्री की किताब को मानव की किताब से बदली की हुई है। इसलिए मोंटू, तुम्हारी सजा ये है कि तुम ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओगे। नटखट परी, आंखें खोलिए। नटखट परी, नटखट परी, बाल परी कुछ बोल लेना। बालवीर, नटखट परी, नटखट परी उठिए। नटखट परी, नटखट परी उठिए। माँ, नटखट परी उठिए ना। बालवीर, संभालिए अपने आप को, अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम नटखट परी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। हाँ देखना, आप सब देखना, नटखट परी को कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी इनका जहर उतर जाएगा। नाराज परी, झूठी तसल्ली देने से कुछ नहीं होगा, ये विष लोक का जहर है, और ये जहर कम नहीं होता बल्कि
धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये सब मेरी ही गलती है भयंकर परी, मुझे मारना चाहती थी। उस समय मैं नटखट परी के रूप में था और नटखट परी मेरे रूप में, बस उसी समय भयंकर परी भूखा खा गई और मेरी जगह नटखट परी पे वार कर दिया। ये सब मेरी शरारत की वजह से हुआ है। रानी परी, नटखट परी के पूरे शरीर में विष फैल रहा है। कुछ कीजिए रानी परी, इस विष को फैलने से रोकिए, कुछ कीजिए। बालवीर, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इस विष का तोड़ हमारे में से किसी के पास नहीं। लेकिन रानी परी, अगर ये विष नटखट परी के पूरे शरीर में फैल गया तो नटखट परी नहीं बच पाएगी। नहीं बाल परी, नहीं मां, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। परियों, परियों कुछ तो सोचिए, कोई तो उपाय होगा। हम अपनी नटखट परी को ऐसे नहीं जाने दे सकते। परियों, हम नहीं जाने दे सकते। हाँ, कोई तो रास्ता होगा रानी परी, सोचिए। महामाई, नटखट परी को बचाने का रास्ता हमें सिर्फ महामाई ही दिखा सकती है। सामने देखो, देखो अरे, ये तो कमाल की चीज है। अय्यर सर, मैं सुरेश अय्यर। इंस्पेक्शन करने वास्ते हम एबीपी विद्या मंदिर स्कूल को पहुंचा। हाँ हाँ, स्कूल को पहुंचा। स्कूल पहुंचा? क्या स्कूल गंदा हो गया था क्या? स्कूल को पहुंचा मतलब आई केम हियर, यू डोंट अंडरस्टैंड? ओ, पहुंचा, हमें लगा कि पहुंचा। नहीं नहीं, आई केम हियर। आपका बहुत धन बर्बाद, बहुत धन बर्बाद। धन बर्बाद नहीं, धन्यवाद। हाँ, वही 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 वही। हेलो, हाँ, नारे कुटेले, इस कुटेले ले। ओ, ओ, बा केवल क्या मस्त दिखता है, नहीं? लगता है ये घूमता भी होगा। अब भी इसे घुमा के देखता हूँ। हाँ। ये मैंने बोला है कि मैं घुमा रहा हूँ, तूने क्यों घुमाया? हाँ? बस करो बेवकूफो, बस करो। यार, ये मॉन्टे बॉस के सामने ये दूसरा डबल डेकर कौन है? शायद उसका मिरर है ना। सॉरी सॉरी अंकल, हमें लगा ये मिरर कबाड़ का आइटम है, इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। तुम दोनों गधों को तो आज छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको, पकड़ पकड़ो, लौट पीटूंगा। छोड़ूंगा मैं। आइयो, स्टाफ रूम तो उधर, हम इधर क्या करता जी? आई 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 आइयो, हम स्टाफ रूम में जाता और टीचर को मिलता। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा रानी परी,
इस तीर पर विष्णु का जहर ही चढ़ा हुआ है। विष्णु के जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया। ये कहते हुए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, परंतु नटखट परी का बचपाना लगभग असंभव है। मामी, लगभग असंभव? हाँ, मतलब बुरी तरह से असंभव नहीं। तो बताइए कौन सा है वो रास्ता जिससे नटखट परी की जान बच सकती है? महामाई, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे नटखट परी को किसी भी तरह बचाना ही है, क्योंकि मैं असंभव को भी नटखट परी को बचाने के लिए संभव कर दूंगा। बताइए महामाई, बताइए। बालवीर, इस विष का तोड़ वही है जहां से ये विष आया है, विष्णु। तुम्हें अपनी जान हथेली पे लेके विष्णु जाना होगा। विष्णु के अंत में सुनहरा पहाड़ है, उन्हीं के बीच एक नीले रंग की जीवन बूटी भी है। लेकिन उस बूटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। विष्णु के विषैले जीव जंतु और पौधे बहुत भयानक हैं। बालवीर, उन पर तुम्हारा जादू भी असर नहीं करेगा। फिर भी मैं जाऊंगा महामहिम, मैं जाऊंगा। बालवीर, कोई भी कदम उठाने से पहले ये जान लो, विष्णु में केवल बुराई ही जा सकती है। बालवीर, वहाँ सच्चाई और अच्छाई जा तो सकती है, परंतु कभी जीवित वापस नहीं आ सकती। मैं इस सोच को भी बदल दूंगा महामहिम। इस बार विष्णु से सच्चाई और अच्छाई वापस आएगी, वो भी जीवनी बूटी के साथ आएगी। शाबाश बालवीर, शाबाश। हमें आप पर गर्व और हमें पूरा भरोसा है बालवीर कि आप उस जीवनी बूटी को लेकर जरूर आएंगे। बालवीर, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। जल्दी जाओ, तुम्हारे पास केवल सूरज ढलने तक का समय है। यदि सूरज ढल गया तो ये विष नटखट परी के सारे शरीर में फैल जाएगा, फिर उसे जीवनी बूटी भी नहीं बचा पाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा महामाई। मैं सूरज ढलने से पहले उस जीवनी बूटी को वापस लेकर आऊंगा। महामाई, मुझे तीर दे दीजिए, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये हर समय मुझे नटखट परी के जख्म की याद दिलाती रही। ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मुझे उस जीवनी बूटी को लाकर नटखट परी की जान बचानी है। उल्लू बनाने की, बता बता कहाँ है सर? आप ही तो हो सर। चुप बैठ। हाँ सर, आप ही हो सर। वो दूसरे सर ने बोला था आप आने वाले हो सर। यस सर। अरे सर 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 सर, क्या लगा रखा है? तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? ओ क्या क्या है तुम सबको? मैं मोंटू, मोंटू मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। ये क्या बेहुदा में कहा के आई हो?
मजाक, वो तो तुम करता हमारे साथ। अरे साथ नहीं साथ, साथ मतलब तो सेवन होता है। हाँ हाँ साथ साथ, पर हम सुरेश अय्यर, स्कूल का इंस्पेक्शन ऑफिसर। और ये मोंटू किस कैट का गाजर है? अरे कैट माने बिल्ली होता है, और गाजर खेत में उगता है, और मोंटू इसी खेत का गाजर है। मोंटू तुम इसी खेत के गाजर हो। आ? मेरा मतलब है मोंटू इसी स्कूल का छात्र है। छात्री? छात्री तो सुना, लेकिन एक छात्र क्या होता है जी? तुम्हारे जैसा होता है। जाने दो, पर अगर तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा मस्ती किया ना, तो हम कंप्लेन फाइल करेगा। हम तुम सबको सस्पेंड करवा देगा। हमारा नाम सुरेश अय्यर, स्कूल का इंस्पेक्शन ऑफिसर, समझा? मांडा अयो। अरे अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? अरे मैं मोंटू मोंटू मोंटू। सर प्लीज ऐसे मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं। अच्छा रुको, मैं कुछ अपनी बातें बताता हूँ। रोहित केवल तुम लोगों को मैं पिज्जा बर्गर खिलाता हूँ। हाँ, मोंटू बॉस तो पिज्जा बर्गर खाते हैं। हाँ, साथ में उनकी बैंड भी बजाते हैं। हाँ। क्या? क्या कहो? तुम पाचों को बड़ी हंसी आ रही है। हाँ? भूल गए? तुम्हारी हमेशा मैं वाट लगाते रहता हूँ, हमेशा परेशान करता हूँ। आया कुछ याद? मोंटू, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। मानव मेहर वानी पुकी, चलो हम स्टाफ रूम में जाके इनकी कंप्लेंट करते हैं। हाँ। वो इनकी टाइट फिश करेंगे। अरे नहीं मेहर, मेहर नहीं, नहीं, रोहित केवल रुको, अरे रुको रुको रुको, अरे रुको। मुझे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर कोई भी विषैली चीज शरीर को छू गई तो मुसीबत आ जाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.